हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि आप घर पे DIY फेशियल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बायोटिक की फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे एज ए क्लींजर यूज़ कर रही हूँ। आप फेस वॉश को भी एज ए क्लींजर यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट अच्छे से क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग हमेशा सर्कुलर मोशन में करनी चाहिए। तो क्लींजिंग हो जाने के बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। क्लींजिंग के बाद हमारा सेकेंड स्टेप स्क्रबिंग होता है। तो स्क्रब बनाने के लिए मैं एक लेमन ले रही हूँ एंड शुगर ले रही हूँ। देन मैं लेमन के स्लाइसेस लेके अपने फेस पे स्क्रबिंग स्टार्ट कर रही हूँ। स्क्रबिंग हमें 3 से 4 मिनट तक करनी चाहिए। स्क्रब हमारे स्किन के सारे डेड सेल को रिमूव करता है और हमें एक क्लीन सरफेस देता है। स्क्रबिंग एटलीस्ट वीक में एक बार करनी चाहिए। ऑयली स्किन वालों के लिए स्क्रबिंग सबसे बेस्ट होती है। स्क्रब हो जाने के बाद हम अपने फेस को वॉश करेंगे और तीसरे स्टेप की ओर चलेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा मसाज होता है। तो मैं मसाज करने के लिए कर्ड का यूज़ कर रही हूँ। कर्ड में लैक्टिक एसिड पाई जाती है जो कि जो स्किन वाइटनिंग में हेल्प करती है। मसाज हमें 8 से 10 मिनट तक करनी चाहिए। मसाज हमेशा सर्कुलर मोशन में और ऊपर की ओर करनी चाहिए। मसाज से हमारे स्किन में टाइटनेस स्मूदनेस आती है। मसाज हमें हमेशा ऊपर की ओर करनी चाहिए। मसाज करने से स्किन टाइट होती है और एंटी रिंकल्स कम होते हैं। हमें 15 दिन में एक बार मसाज करनी चाहिए। आप दही के बदले हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। ड्राई स्किन वालों के लिए हनी बेस्ट ऑप्शन है एंड ऑयली स्किन वाले कर्ड आप यूज़ कर सकते हो। मसाज हो जाने के बाद हम अपने फेस को प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। देन हम अपने फोर्थ स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो फोर्थ स्टेप हमारा पैक होता है। तो पैक बनाने के लिए मैं बेसन और कर्ड का यूज़ कर रही हूँ। मैं दोनों की अच्छी से मिक्सचर बनाने के बाद अपने फेस पे उसे लगाऊंगी। पैक को हम एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक फेस पे छोड़ देते हैं। 70% पैक सूख जाने के बाद हम अपने फेस को प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। फेस को पैट ड्राई करने के बाद हम अपने फेस पे
कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। मैं बायोटिक की टोनर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हो। टोनर के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। सो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।